आप सभी को जय मसीह के प्रियो, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हमारे YouTube चैनल जीसस कॉर्ड्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। आखिर हम परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं? आइए हम वचनों को देखें। यूहन्ना 14 अध्याय। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगत तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगत तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, वह मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको जरूर दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।